किशोर कपूर। वैसे ये बात और है कि आजकल किशोर कपूर का नाम कलाकार के रूप में कम और कलाकार बनाने वाले के रूप में ज्यादा जाना जा रहा है। पिछले 11 साल से किशोर कपूर कलाकारों को फिल्म अभिनय की तकनीकी तालीम देने का काम कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि आज के कई मशहूर सितारे और आने वाले कल के कई कलाकारों के गुरु हैं किशोर कपूर। तो ऐसे गुरु जी का पहले स्वागत और प्रणाम। वैसे तो प्रणाम के जवाब में कहना चाहिए आशीर्वाद, लेकिन मैं नहीं समझता कि मैं काबिल हूँ, तो मैं सिर्फ यही कहूंगा नमस्ते। किशोर जी, आपसे सबसे पहले ये पूछने का मन हो रहा है कि हमने बरसों से सुना है कि कलाकार जन्मता है, बनाया नहीं जाता, और जिन अच्छे कलाकारों पर, जिन अच्छे अभिनेता या अभिनेत्रियों पर नजर जाती है, उनको कुछ वक्त ने सिखाया, कुछ उनकी अंदर की कला थी, कुछ वो अनुभव से सीखे। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसका सीधा सा जवाब यह है कि कलाकार जन्मता है और बनाया जाता है। जिन लोगों की बात आप कर रही हैं, क्योंकि उस जमाने में इस तरह की ट्रेनिंग नहीं थी, तकनीकी सुविधाएं नहीं थी, तो ये लोग परसों अपने अनुभव से, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड से सीखते थे। आज 4 महीने में एक ढंग से, एक जिसे कहते हैं बहुत वैज्ञानिक तरीके से, पद्धति से, वही सिस्टमेटिकली ऑर्गेनिकली वो सीख लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पुराने जमाने में शायद इन लोगों को ये मालूम नहीं था कि इंसान के 2 दिमाग होते हैं, एक लेफ्ट ब्रेन, एक राइट ब्रेन। आज इंसान बहुत कुछ जानता है, आज मनोविज्ञान के परे परा मनोविज्ञान का जमाना है। यानी अगर आपको राइट ब्रेन के बारे में मालूम है, तो उस दिमाग का कैसे सही इस्तेमाल करना जो आपका क्रिएटिव यानी सृजनात्मक रचनात्मक दिमाग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यू कैन एनहांस योर क्रिएटिविटी, विच जो 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 चीज है जो आप इंस्टीट्यूट में या एकेडमी में सीखते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि एक कलाकार बनने के लिए या बनाने के लिए उसमें कला का बीज होना बहुत ही जरूरी है, जिसको आप अंकुरित करते हैं और फिर दुनिया के सामने लाते हैं। बिल्कुल, मैं खुद भी यही बात हमेशा कहता हूँ कि देखिए, छोटा सा बीज होता है, उसमें कितनी संभावनाएं, सिर्फ एक पेड़ बनने की नहीं, पता नहीं कितने पेड़ बनने की संभावनाएं हैं, क्योंकि जितने फल आते हैं उन सारे फलों में बीज होते हैं। लेकिन उस बीज को एक अच्छा माली चाहिए जो एक खाद, प्यार, पानी, हवा देगा। मैं समझता हूँ कि मेरा काम वही है, उस माली का काम है, या इसको दूसरी तरीके से कह लें कि एक हीरा है, अब कोयला कोयला है, हीरा भी कोयला होता है, तो उसे तराशने की जरूरत होती है, लेकिन आप कोयले को तराशने तो हीरा नहीं होगा। ये जो अभिनय सिखाने की पद्धति है, इस पर हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो पुराने जमाने की फिल्में होती थी, उनमें अभिनय दिखता नहीं था, महसूस किया जाता था। आज अभिनय पर्दे पर दिखता क्यों है? बल्कि मैं हैरान हूँ आप ये बात कह रही हैं। मुझे तो ये लगता है कि पुराने जमाने की जो फिल्में थी उसमें अभिनय अभिनय की तरह होता था, क्योंकि लोग मेरे हिसाब से उस जमाने में सिर्फ व्यक्तित्व थे, शख्सियत थे, पर्सनैलिटी थे, और आप कोई भी पात्र देख लीजिए, वो पात्र वो कलाकार हो जाता था। लेकिन आज धीरे धीरे दौर बदल रहा है, लोगों ने पात्र निभाना शुरू किया, जो मेरा ख्याल है कि एक्टिंग की परिभाषा है, कि यानी आप एक पात्र निभाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल, यानी ये दौर हॉलीवुड का दौर नहीं है कि जहाँ आप कलाकार नहीं देखते, वो पात्र देखते हैं, लेकिन फिर भी एक ट्रांजिशन का एक दौर है जहाँ हम धीरे धीरे इस बात को समझ रहे हैं, तो यहाँ मैं आपसे सहमत नहीं। कपूर साहब, अगर याद करें फिल्म हावड़ा ब्रिज के उस गाने को, आइए मेहरबान, उसमें मधुबाला, अगर आपको याद आ सके, तो माइक के सामने खड़ी हैं और बिना हिले डुले उन्होंने जो एक्सप्रेशन दिया है और जो गाना गाया है। और मुझे याद है कि शेखर कपूर ने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था कि वैसा सीड्यूसिंग गाना आज भी कोई गा नहीं सकता। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि मधुबाला की अपनी एक पर्सनैलिटी थी, और जब आप एक्टिंग करते हैं तो उस व्यक्तित्व की एक प्रोजेक्शन तो होती ही है, और उसका एक जन्मजात गुण तो था ही उसमें। जैसा मैंने आपसे कहा कि यहाँ जैसे मैं, मेरा इंस्टीट्यूट है, मैं उसको एक लैब कहता हूँ ना, जहाँ गलतियाँ करके अच्छे सीखते हैं। आप कमला हसन की किसी भी फिल्म को देख लीजिए, आपको में आपको ड्वार्फ दिखाई देगा, नायकान में आपको डॉन दिखाई देगा, यानी थोड़ी देर में आप भूल जाते हैं कि आप कमला हसन को देख रहे हैं। आमिर खान की बहुत सारी फिल्में मैं आपको बता सकता हूँ, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं अपने जो जो पात्र है उसकी उसका मनोविज्ञान क्या है, उसका समाज शास्त्र क्या है, उसका शरीर शास्त्र क्या है, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। और ये बात सही नहीं है कि कुछ कलाकार हैं जो जिनमें यानी कलाकारी के गुण कम है और स्टाइल ज्यादा है,
लेकिन चूंकि हमारा देश ऐसा, हम जो फिल्में देखते हैं वो फैंटेसी हैं, लोग अपने से भागने के लिए फिल्में देखते हैं, तो उन फिल्मों में हम जो लार्जर देन लाइफ यानी हम हीरो और हीरोइन को देखना पसंद करते हैं, इसलिए आज भी हमें स्टाइल अच्छा लगता है। किशोर जी, आते हैं आज के दौर पर, फिल्में हमेशा से आकर्षण का केंद्र रही हैं, खास तौर पर युवा वर्ग के लिए। आपके इंस्टीट्यूट में, आपके शरण में जितने भी लोग ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं, उनका सिलेक्शन सबसे पहले आप किस तरह से करते हैं? सबसे पहले तो मैं खुद ये बात कहना चाहूंगी, बड़े बड़े ही दुख की बात है, ऐसा माना जाता है कि रोजाना 250 लड़के लड़कियां हीरो हीरोइन बनने बंबई आते हैं, सपने देखकर आते हैं, ग्लैमर स्टक है, उन्हें कुछ पता नहीं है, किसी ने कह दिया कि बड़े अच्छे दिखते हो यार, हीरो क्यों नहीं बन जाते, हीरोइन क्यों नहीं बन जाते, या पर्दे पर देखा उन्हें लगता है कि अभिनय बहुत आसान है, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं कि अभिनय दुनिया की सबसे मुश्किल कला है, टाइम में है, स्पेस में, स्वयं वादे हैं, स्वयं वादक हैं, और ये जो हमारा प्रोफेशन है उसमें बहुत ज्यादा भाग्य का भी हाथ है, और फिर वो इस भीड़ में खो जाते हैं, मुंबई जाने के दरवाजे बंद कर देता है, ये बड़े अफसोस की बात है। लेकिन मेरे यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ट्रेनिंग जो है वो मेरी आत्म अभिव्यक्ति है, मेरा पैशन है, मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ, मैं सबको नहीं सिखाता हूँ, तो मुझे जब तक ये नहीं समझ में आया कि उसमें न सिर्फ गुण है या कौशल है बल्कि एक पैशन है, लगन है, एक अनुशासन है और पूरी एकाग्रता है, तो ही मैं सिखाता हूँ, नहीं तो मैं नहीं सिखाता, और मैं बहुत गिने चुने लड़के लड़कियों को सिखाता हूँ। तो अभिनेता बनने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रशिक्षण की प्रक्रिया है, वो क्या है? जो भी इंसान आता है वो एक, दुनिया का हर इंसान एक बड़ा विशेष इंसान है, उसके अपने गुण हैं, अपनी कमियां हैं, तो जब वो आता है तो हम जो शुरू में करते हैं उसे कहते हैं प्रोसेस ओरिएंटेड ट्रेनिंग, यानी वो कुछ प्रक्रियाएं हैं जिससे वो धीरे धीरे वो अपने को जानना शुरू करता है, शर्म झिझक खत्म हो जाए उसकी, सो दैट यू नो एक शेल से बाहर आ जाए और खतरा मोल लेने लगे, क्योंकि हर इंसान अंदर से डरा हुआ कि मैं कुछ ऐसा ना कर दूं कि लोग मेरा मजाक उड़ाएं, और धीरे धीरे हम बहुत बेसिक एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एनीवे मैं पूरा शेड्यूल आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं इतना बता सकता हूँ कि एक सिलेबस है, लेकिन उसे कहते हैं कि सिलेबस ओरिएंटेड ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि मैंने मनोविज्ञान में एमए किया, दर्शन शास्त्र में, और मनोविज्ञान में मेरा विषय था, तो मैं ये देखता हूँ कि किसकी क्या जरूरत है, उसकी जरूरतों के हिसाब से मैं उन्हें ट्रेनिंग देता हूँ, लेकिन अभिनय की तालीम के अलावा, यानी वो तो है ही है, और भी बहुत कुछ है, जैसे संगीत है, आवाज का अभ्यास है, उच्चारण है, फिल्म ओरिएंटेशन है, फिल्म बहुत तकनीकी माध्यम है, तो इन सारी चीज़ों की शिक्षा दी जाती है। आखिर में जैसे भाव सौड़ी की बनती, सो जो चीज़ें हमने कुछ बिट्स एंड पीसेज में सीखी हैं उनको इंटीग्रेट करते हैं, यानी आखिर में वो सारी चीज़ें सीन करते हैं या सॉन्ग्स पिचवाइज वगैरह करते हैं, सारा काम करते हैं। आपके परिचय में जैसा कि हमने बताया और हम जानते भी हैं कि कुछ ऐसे भी बच्चे आए आपके पास जिनका ताल्लुक फिल्मी दुनिया से था, जो फिल्मी परिवारों से है, इन दोनों तरह के बच्चों को अभिनय सिखाने में कोई अंतर होता है क्या? देखिए, पहली बात मैं बता दूं कि जब भी मेरे पास बड़े बड़े कलाकारों के बच्चे आते हैं, और मेरे लिए ये बड़े गौरव की बात है कि आज जो बड़े बड़े नाम सुन रहे हैं, चाहे वो अक्षय खन्ना हो या ऋतिक रोशन हो, अभी रिंकी खन्ना है या करीना कपूर है, ऐशा आर्य हैं, विवेक ओबरॉय हैं, नितिन मुकेश के बेटे हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको मैंने सिखाया, लेकिन मैं पहले दिन उन्हें बता देता हूँ कि क्लास में आप एक विद्यार्थी हैं, कल हर क्लास का अपना एक अनुशासन है, होना चाहिए, क्लास में ये अंतर हम नहीं कर सकते, क्योंकि ठीक है एक जन्मजात गुण तो होते ही हैं, जैसे कहते हैं जेनेटिक एडवांटेज, वो गुण है, ठीक है। दूसरे बच्चों का ये होता है कि उन्हें इससे एक भरोसा होता है कि अगर इस तरह के बच्चे इस इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं तो यहाँ वाकई बहुत अच्छा काम होता है जेन्युइन, और उनको देखकर इन लोगों में भी एक मेहनत करने का जज्बा पैदा होता है, क्योंकि ये लोग ये जानते हैं कि ये काम आसान नहीं है। मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री ने साबित कर दिया है कि आखिरकार जीत प्रतिभा की, मेहनत की, भाग्य की होती है। आप देख लीजिए कि कितने ऐसे कलाकार हैं, अब शाहरुख है, उसको कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, सोनाली है, मीनाक्षी शाद्री है, गोविंदा है, मिथुन चक्रवर्ती थे, तो इनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, मेरा ख्याल है अमिताभ बच्चन का भी फिल्मी बैकग्राउंड कोई नहीं था, और अगर कोई फिल्मी बैकग्राउंड से आता है, अगर वो बहुत अच्छा है, तो उसको क्यों ना मौका मिले। आज अक्षय खन्ना मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम करता, तो क्यों ना उन्हें काम मिले, या सैफ खान, लेकिन आखिर में सिर्फ एक फिल्म तक ये मुकाबला होता है, उसके बाद कोई मुकाबला नहीं है, उसके बाद आपका मुकाबला खुद अपने आप से। किशोर जी कहते हैं कि एक अच्छा कलाकार बनने के लिए एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है, जिंदगी की बारीकियों को समझने के लिए, लेकिन जिंदगी की जो बारीकियां हैं वो समझ में आती हैं अनुभव के साथ। तो ये जो युवा पीढ़ी है जो इस मैदान में कूदती है, क्या आपको नहीं लगता कि
उनसे हम बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में वो सब कुछ उन्हें आना चाहिए जो एक उम्र के बाद होता है। देखो एक बात तो मैं बताऊँ, आपने डार्विन की थ्योरी सुनी एवोल्यूशन, आज के बच्चे आप देखिए, जब हम उतने छोटे बच्चे थे हम उतने समझदार नहीं थे, ये लोग बहुत समझदार हैं। और आज इतनी दुनिया जो है वो देखिए ग्लोबल विलेज होती जा रही है, आज जिस तरह की बातें समझदारी की बातें लोग करते हैं, शायद मैं नहीं समझता कि हमारी जनरेशन में वो सब था, तो ये बात सही नहीं है। दूसरी बात, जैसे ट्रेनिंग के दौरान, क्योंकि ट्रेनिंग में मैं हमेशा कहता हूँ कि एक व्यक्तित्व का भी रूपांतरण होता है, क्योंकि एक्टिंग जो है आखिर में क्या है, आप किसी पात्र के मनोविज्ञान को समझते हैं। प्लस सबसे बड़ी बात यह है जो आज तक मैं सुनता आया हूँ जी, कि आप अच्छे अभिनेता अगर बनना चाहते हैं तो अच्छा इंसान होना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर आप अच्छे अभिनेता बन जाते हैं तो आप अपने आप अच्छे इंसान बन जाते हैं, ये इतिहास ने साबित किया। आप लोग कहते हैं प्राण, मैं एक सबसे बड़ा उदाहरण आपको देता हूँ, सबसे बड़ा विलेन कोई नहीं हुआ। मैंने सुना है कि पिछले 45 सालों में किसी माँ बाप ने अपने बच्चे का नाम प्राण नहीं रखा, लेकिन मैं नहीं समझता कि उससे अच्छा इंसान कोई है। मैं इस बात को इस तरह से समझता हूँ कि मैन इज अ रैशनल एनिमल, यानी इंसान के अंदर एक पशु है, लेकिन जब आप इस तरह का काम करते हैं तो वो जो वृत्तियां हैं, जो ट्रेट्स हैं, वो निकल जाते हैं बाहर, और जो बच जाता है वो है एक अच्छी सोल, एक अच्छा अच्छा जमीर, एक अच्छा मन, एक अच्छी आत्मा। ऐसे बच्चे जिनके खून में अभिनय मिला हुआ है, घुला हुआ है, उन्हें सिर्फ अभिनय की तरफ ही देखता है और वो ये सोचकर ही चलते हैं कि हमें स्टार ही बनना है। और ऐसे बच्चे जो एक सक्सेसफुल स्टार ना बन पाए तो उनके मन में क्या बीतती है? देखो पहली बात तो ये है कि डॉक्टर का बच्चा आमतौर पर आप देखें डॉक्टर बनता है, उसमें गलत क्या है? एक बिजनेसमैन का बेटा है, उसने बचपन से देखा है, वो उसके लिए आसान है, उसे उस प्रोफेशन की समझ है। बड़े होने के बाद उन्हें एक मौका मिलता है, उसके बाद अगर समझदार होते हैं तो इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि कम से कम हमने कोशिश की, तो वीर ने भाग्य ने साथ नहीं दिया। बहुत सारे मैं लोग जानता हूँ जो बाद में निर्देशन की तरफ झुक जाते हैं या बिजनेस करना शुरू करते हैं, दूसरे तरह के काम करते हैं। और मैं समझता हूँ ये समझदारी की बात है, क्योंकि देखिए दो बातें होती हैं कि जब कोई यहाँ कलाकार बनने आता है तो लोग उन्हें उत्साहित करते हैं कि जाओ जाओ बम्बई क्यों नहीं जाते, खूबसूरत हो, हीरो क्यों नहीं बनते। लेकिन जब वो इस शहर में आ जाते तो थोड़ी शर्म आती है, जब मान लो सफल नहीं हो पाया कि लोग मजाक उड़ाएंगे, अच्छा हीरो बनने गए थे। बात सारी यह है कि एक सैनिक जब घायल होकर लौटता है तो उसको तो शर्म नहीं आती, तो ऐसी शर्म क्यों आनी चाहिए? उनको ये समझ में आना चाहिए कि ठीक है, जीवन यहाँ समाप्त नहीं हो जाता और जीवन का अर्थ ये हो सकता। किशोर जी, ऐसा माना जाता है, खासतौर पर आजकल माना जा रहा है, कि जो लोग फिल्म की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं वो पैसे की तरफ भी ज्यादा आकर्षित है, क्योंकि फिल्मों में सुनते हैं कि बेइंतहा पैसा है, चाहे उसके पीछे मेहनत जितनी भी हो। तो आज की जो पीढ़ी है उसे लगता है कि जल्दी से जल्दी पैसा कमाने का एक तरीका है फिल्में, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सही बात है, लेकिन ये एक बेसिक एटीट्यूड है, इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो ट्रेनिंग है मेरे पास आते हैं तो ये सिर्फ एक्टिंग ट्रेनिंग नहीं है, सबसे बड़ी बात है वो है आपका परिप्रेक्ष्य, आपका एटीट्यूड क्या है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है। क्योंकि जीवन में हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि मनी इज अ बाय प्रोडक्ट, मतलब बोनस है, या जो हम पंजाबी में कहते हैं चुंगा है, कि हम जब मेहनत करते हैं तो पैसा फॉलो करता है। अगर आप अपने काम के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ प्यार है, पैशन है, तो पैसा तो फॉलो करता है। किशोर जी, पिछले 11 सालों से आप अभिनय सिखा रहे हैं और बड़े बड़े स्टार बना रहे हैं, कुछ नाम आपने हमें गिनाए, लेकिन हम ये जानते हैं कि महिमा चौधरी हुई, नगमा हुई, नेहा हुई, और भी बहुत से ऐसे नाम हैं, साजिद हैं और सोनाली बेंद्रे, जी हाँ, ये भी ऊंचाइयों को छुए हैं। जब ऐसे बच्चे आपके शीर्ष इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं तो आपको कैसा लगता है? पहली बात तो ये है कि मैंने ट्रेनर बनना सोचा ही इसीलिए, क्योंकि मैंने ये देखा कि मैं एक अच्छा कलाकार था। मैं आपको बहुत संक्षेप में बता दूं कि जब मुझे मेरी अपनी पहचान हुई, मेरे भीतर एक अभिनेता है, तो सबसे पहले जो ट्रेनिंग मैंने ली वो रेडियो से। मेरे गुरुओं में सत्येंद्र शरद जी हैं, दीना भाई थे, दीनानाथ जी, फिर मैंने टेलीविजन में बहुत काम किया, चाइल्ड आर्टिस्ट दिल्ली में, थिएटर में बहुत काम किया, और मैं अच्छे अच्छी संस्थाओं के साथ जुड़ा रहा। मैंने एमए किया, फिर उसके बाद मैं पुणे गया, मैं फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट हूँ, बॉम्बे आकर मैंने फिल्मों में काम करना शुरू किया, और मुझे आलोचकों की प्रशंसा मिलती थी, बहुत प्रशंसा मिलती थी। उन दिनों जीवन यापन करने के लिए मैंने पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, आसानी साहब के कहने से, तब मेरी अपनी पहचान हुई। मुझे लगा नहीं, जीवन में जैसे कहते हैं ना कि आपका ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है, तो दो नाव पे मैं सवार नहीं होना चाहता था। मुझे समझ में आ गया कि मैं ट्रेनिंग देना चाहूंगा।
तो मैंने ट्रेनिंग के लिए फिर बहुत सारी ट्रेनिंग की, दुनिया भर की मैंने ट्रेनिंग किया, दुनिया में जो जो उपलब्ध है मैंने सब किया। और जाहिर है कि फिर वो कहते हैं कि इरादों से ही सब साबित होता है। मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं कि मैंने कोई घोषणा की हो कि मैं ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, लेकिन एक स्टूडेंट आया, वो एक दूसरे को लेकर आया, दूसरा अच्छा, और वो कहते हैं अकेला ही चला था मंजिल ले जाने, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। मैं अगर कलाकार होता तो मैं एक होता, संस्कृत में कहते हैं एको अहम बहु श्याम, आज मैं बहुत हूँ। तो जो मैंने काम किया उसमें मुझे बहुत संतुष्टि है, लेकिन मैं ये भी मानता कि भाई अब मुझे रुक जाना है यहाँ पर। वन हु स्टार्ट्स ग्रोइंग, ही स्टार्ट्स ग्रोइंग बिकॉज ही स्टॉप्स ग्रोइंग। तो मुझे ग्रो करना है क्योंकि दुनिया में बहुत हो रहा है। जैसे मैं आज कई बार स्टूडेंट से कहता हूँ कि काश मैंने अपने आप को ट्रेनिंग दी होती तो मैंने जो अभिनय किया था मैं शायद उससे बहुत अच्छा करता। किशोर जी, आज का आखिरी सवाल, ऐसे लोग जिनका झुकाव अभिनय की तरफ है या ऐसे लोग जो अपने आप को हीरो मान बैठे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो सबसे पहले ये कहना है कि पहले अपने आप को, अपनी प्रतिभा को पहचानिए। सिर्फ बड़े बड़े सपने देखकर मत आ जाइए, आप ये सोचकर मत आ जाइए कि कल तकदीर ने साथ दिया तो हम भी धर्मेंद्र बन जाएंगे और अमिताभ, क्योंकि हमें धर्मेंद्र की सक्सेस स्टोरी मालूम है, अमिताभ की। लेकिन जो हजारों हजारों लोग इस शहर में, इस शहर की भीड़ में खो गए, उनकी कहानियां कोई नहीं जानता। और ये शहर बहुत अजीब है, आने के दरवाजे खुलता है, जाने के बंद कर देता।